नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एयर होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक जबरदस्त फुल्ली डुप्लेक्स लेकर के आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, फुल्ली डुप्लेक्स यानी कि नीचे भी आपको दो रूम मिलने वाले हैं, एक रसोई मिलने वाली है, दो लेट बाथ मिलने वाले हैं। सेम यही प्रोविजन आपको जो है ऊपर की तरफ मिलने वाला है, यानी फर्स्ट फ्लोर में मिलने वाला है। अब मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो जयपुर की प्राइम लोकेशन जो गोविंदपुरा है उसके जस्ट गोविंदम टावर से जो है 400 मीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल रहा है। साथ साथ अगर कॉलोनी का नाम बताऊँ तो उत्तम नगर गोविंदपुरा के पास में ये बिल्कुल नियरेस्ट पड़ता है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हमारे पास ऐसे तीन यूनिट बचे हुए हैं, ये तीनों ही यूनिट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सोसाइटी का बना हुआ है लेकिन आसपास की जो लोकेशन है, आसपास का जो एरिया है पूरा जेडीए अप्रूव्ड है। यहाँ पर जो है आपको सीवरेज लाइन पूरा डाला हुआ है, पानी के लिए गवर्नमेंट का पानी आता है, प्लस हमारे द्वारा यहाँ पर आपको पानी का बोरिंग भी लगा करके दिया गया है। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने की साइड में जो 30 फीट रोड निकल रही है, आसपास का लोकेलिटी आप देख सकते हैं, पूरा बसावट वाला एरिया है। अब मैं आपको बात करूँ अगर एलिवेशन की, तो एलिवेशन आप बाहर से देख सकते हैं कितना जबरदस्त एलिवेशन हमने जो है बाहर से दे रखा है। और यहां पर जब आपको स्टेयर्स मिलेगी वो बाहर की साइड से मिलने वाली है, तो ये बाहर से इसका एलिवेशन है। अब मैं बात करूं पॉर्च एरिया की, तो पॉर्च एरिया यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा एक स्पेसिस के साथ में आपको पॉर्च एरिया मिल जाता है, काफ़ी अच्छा देखिए जो है यहाँ पर पॉर्च एरिया आपको मिल रहा है। प्रोविजन की बात करूं तो वाटर टैंक का प्रोविजन हमारे द्वारा यहाँ पर आपको लगा करके दिया गया है। और हाइट की बात करूँ तो हाइट काफ़ी अच्छी डिसेंट साइज मिल जाती है। जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले हमको यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाती है जो कि ऊपर की तरफ हमें लेकर के जाती है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उससे पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगा, काफ़ी सारा काम है अभी यहाँ पर बाकी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और कीजिए और बेल आइकन दबाई दीजिए क्योंकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एंटर होने के साथ ही आपको काफ़ी बड़ा एक हॉल यहाँ पर मिल जाता है। हॉल काफ़ी स्पेसेस हॉल के साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप जो है लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे द्वारा आपको सिंक लगा करके दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगी किस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे द्वारा काम करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे द्वारा सिंक लगा कर दिया जाएगा। ऊपर की तरफ जो है फोर सीलिंग आपको मिलेगी, फोर सीलिंग अभी काम चल रहा है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। छोटे छोटे एलईडी पैनल्स दिए हैं और इस तरफ यानी कि आपको फ्रंट साइड में काफी बड़े एक विंडोज दी गई है ताकि आपको जो है सनलाइट आता रहे, वेंटिलेशन होता रहे और साथ साथ आपको सफोकेशन ना हो, यानी कि एयर पास होती रहेगी तो आपके जो है घर के अंदर गर्मी नहीं होगी, और गर्मी नहीं होगी तो सफोकेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो है सब जगह पे काफ़ी बड़ी बड़ी एक विंडोज़ दी है। अभी हॉल के अंदर आपको कॉमन में यहाँ पर बाथरूम दिया गया है, बाथरूम का साइज काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो है इंडियन टॉयलेट हमारे द्वारा लगा करके दिया जाएगा। हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छी हाइट यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए ऊपर की तरफ एक जगह दी गई है। तो दोस्तों ये तो हो गया हॉल के अंदर आपको बाथरूम जो कि कॉमन में दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहला रूम। तो रूम देखिए, जैसे अपन रूम के अंदर एंटर होते हैं तो रूम का साइज काफी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी पीओपी करके दी गई है, पीओपी भी सूख रही है, अभी काम चल रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप साइड में आपको काफी अच्छा एक आपको फोर सीलिंग करके दिया जाएगा। डिजाइन आप देख सकते हैं अभी, और यहाँ पर सेपरेटली हमारे द्वारा एसी के पॉइंट लगा करके दिए गए हैं। नीचे व्हाइट कलर की टाइल यूज की गई है, काफी अच्छी एक टाइल यहाँ पर यूज की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक काफी बड़ी एक विंडो दी गई है जिससे कि आपको प्रॉपरली सनलाइट आती रहे, वेंटिलेशन होती रहे ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये फर्स्ट रूम हो गया। रूम साइज आप देख रहे हैं काफी एक अच्छा रूम साइज है। और अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे रूम की तरफ। तो जो दूसरा रूम है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा रूम का जो साइज आपको मिल रहा है काफी एक डिसेंट साइज, यानी काफी बड़ा साइज मिल जाता है। और आप इसे जो है मास्टर बेडरूम की तरफ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक अटैचमेंट बाथरूम मिल रहा है। रूम साइज आप देखिए कितना बड़ा एक रूम साइज आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऊपर की तरफ फोर सीलिंग दी गई है, सामने की साइड में यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन किया करके दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इस साइड में आपको जो है काफी एक बड़ा स्पेसेस के साथ में बाथरूम मिल रहा है। बाथरूम आप देख सकते हैं, बाथरूम में काफी अच्छा एक साइज दिया गया है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कोने में जगह दी गई है जहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसी रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए काफी एक अच्छा जो है एरिया दिया गया है। आप इसे वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये एरिया जो है वॉशिंग एरिया या फिर आपको वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, या तो आप चाहें तो अपना इधर कूलर वगैरह रख सकते हैं। आपको वेंटिलेशन के लिए काफी एक अच्छी जगह दी गई है। और जो है रसोई का यानी कि किचन का भी यहाँ से वेंटिलेशन होता है, तो काफ़ी एक अच्छा एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ले चलता हूँ मैं आपको नीचे की तरफ, मतलब नीचे के पार्ट में ही जहाँ पर आपको रसोई मिल रही है। लेकिन चलते चलते क्या करना है, जी हाँ, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो ये इसका किचन आ जाता है दोस्तों। किचन का साइज काफी अच्छा डिसेंट साइज दिया गया है। यहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन हमारे द्वारा बना करके दिए जाएंगे। अभी कैबिनेट्स बन चुके हैं, यहाँ पर जो है कैबिनेट्स बनना बाकी है। मॉड्यूलर किचन हमारे द्वारा दिया जाएगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की दी गई है, खिड़की काफी अच्छी बड़े साइज में दी गई है ताकि आपको प्रॉपरली वेंटिलेशन यहाँ पर होता रहे।
तो ये तो हो गया दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको दिखाया है दो रूम, दो बाथरूम और प्लस एक किचन और एक वेंटिलेशन के लिए जो अपन ने जगह दी है, आप उसे स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एक अच्छी जगह वहाँ पर आपको दी गई है। और साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है, यानी कि 65 वर्ग गज में बना हुआ है और साथ ही साथ 14x40 का ये बना हुआ काफ़ी एक अच्छा साइज़ के अंदर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टेयर से ऊपर ले चलता हूँ, लेकिन ऊपर जाते जाते एक चीज़ आपको करनी है, क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियोस को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि जिन किन्हीं को भी अगर ज़रूरत हो घर लेना चाहते हैं तो वो लोग भी हमारी वीडियो देख करके हमारे साथ कनेक्ट हों और जो है एयर होम्स के साथ अपने सपने का घर ले लें। तो देखिए सर, यहाँ पर अपन आ गए हैं, रूम का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी एक बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ टॉप साइड में आपको फोर सीलिंग लगा करके दे रहे हैं, काफ़ी एक अच्छी फोर सीलिंग यहाँ पर आपको, डिजाइनेबल फोर सीलिंग मिलने वाली है। यहाँ पर भी हमारे द्वारा जो है आपको वॉश बेसिन लगा करके दिया जाएगा। इस साइड में जो है आपको काफ़ी एक बड़ा बाथरूम मिल जाता है, बाथरूम का साइज़ आप देख सकते हैं। काफ़ी एक बड़ा बाथरूम का साइज़ दिया गया है। यहाँ फ्रंट साइड पहले मैं दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैक साइड दिखा देता हूँ। बैक साइड में यहाँ पर जो है तीसरा रूम आपको दिखा रहा हूँ, ये तीसरा रूम है दोस्तों। तीसरे रूम की साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी एक बड़ा और रूम साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा एक स्पेसेस मिल जाता है। ऊपर की तरफ फोर सीलिंग करके दी गई है, सामने की साइड में जो है टेक्सचर डिज़ाइन दिया जाएगा। इस साइड में वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है, काफ़ी एक अच्छा जो है पार्ट यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए काफ़ी एक अच्छा यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर जो है किचन की विंडो आ गई है, जैसे नीचे किचन था वैसे एज इट इज़ ऊपर भी एक किचन दिया गया है, क्योंकि देखिए एक परिवार में दो भाई होते हैं, अगर दोनों की शादी हो जाती है तो वो सेपरेटली अपना ऊपर और एक नीचे रह सकते हैं, तो उस तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। ये सेपरेटली आप अपना जो है अटैच में बाथरूम दिया गया है, जिससे बाथरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ से जगह दी जाएगी और अभी काम चल रहा है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या है, लोगों की आदत होती है कि वीडियो को स्किप करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये चीज़ आपने बताई नहीं थी, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अब देखिए ऊपर वाला जो मैं आपको किचन दिखा रहा हूँ, किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा एक साइज़ यहाँ पर मिल रहा है। और हाइट की बात करूँ, काफ़ी अच्छी हाइट दी गई है, वेंटिलेशन के लिए उस तरफ से जगह दी गई है, यहाँ पर विंडो दी गई है, अगर आप चिमनी लगाना चाहें तो चिमनी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ जो है वार्डरोब हमारे द्वारा बना करके दी जाएगी, ऊपर की तरफ यहाँ पर सभी तरह कैबिनेट हमारे द्वारा लगा के दिए जाएंगे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये इसका तीसरा रूम और किचन, और मैंने हॉल में आपको बाथरूम दिखा दिया है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इसका चौथा रूम और लास्ट रूम। देखिए रूम का साइज़ देखिए कितना अच्छा एक साइज़ दिया गया है, पीओपी करी हुई है, अभी पीओपी सूख रही है, कई जगह आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे तो पीओपी सूख रही है, इस वजह से स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको। ऊपर की साइड में आपको जो है यहाँ पर फोर सीलिंग करके दी जाएगी हमारे द्वारा, छोटे छोटे एलईडी पैनल्स दिए जाएंगे ताकि आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, वैसे भी पड़ेगी नहीं क्योंकि सामने की साइड में हमने काफ़ी एक बड़ा विंडो दिया है, जैसे कि अभी आप रोशनी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है क्योंकि सनलाइट यहाँ से प्रॉपरली आ रही है, रोशनी यहाँ से प्रॉपरली आ रही है, वेंटिलेशन भी प्रॉपरली हो रहा है। सामने यहाँ पर आपको जो है अलमीरा बना के दी जाएगी, वार्डरोब बना के दी जाएगी, आप देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा दिखाने की, होता है कभी कभार वीडियो के अंदर पूरा व्हाइट है तो शायद आपको दिखे ना, मैं हाथ अंदर डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो काफ़ी एक अच्छा जो है यहाँ पर आपको अलमीरा मिलेगा, अलमीरा का काफ़ी एक अच्छा सेक्शन दिया गया है। मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ, बालकनी का साइज़ काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखिए एक तो बहुत चौड़ा साइज़ आपको मिल रहा है यहाँ से, आप देखिए कितना एक अच्छा साइज़ आपको बालकनी का मिल रहा है, वहाँ से प्लीज़ एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ये तो हो गया आधी साइड से, अब मैं आपको उस तरफ जाकर के दिखाऊँगा, और उस तरफ से काफ़ी चौड़ा साइज़ है, इस तरफ से थोड़ा सकड़ा है, लेकिन बालकनी का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा दिखाने की। बाहर का अगर व्यू देखना चाहें तो बाहर का व्यू देख लीजिए, 30 फीट की रोड है, पूरे लोग बाग बसावट वाला एरिया है, सब जगह लोग रह रहे हैं, पूरी कॉलोनी JDA अप्रूव्ड है। एक ये जो बना हुआ है यही सिर्फ जो है हमारे दो तीन यूनिट हैं, ये अभी JDA अप्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन अपना JDA के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, फाइल लगी हुई है, जब भी ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएंगे इसके JDA के लिए तो वो भी आपका जो भी फाइल चार्ज लगेगा उसके बाद में ये भी JDA अप्रूव हो जाएगा। अब मैं प्राइस की बात करूँ, मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया है, पूरा विला दिखा दिया है, जिसमें कि चार रूम आपको मिल रहे हैं, दो रसोई मिल रही है और आपको इसमें तीन टॉयलेट मिल रहे हैं,
चार टॉयलेट मिल रहे हैं, और काफी बड़े बड़े इसमें हॉल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और रोड से मैं आपको बताया गोविंदम टावर से जो 400 मीटर के डिस्टेंस पे है, जयपुर की प्राइम लोकेशन कालवाड़ रोड पे स्थित है। तो मैंने सारी ही चीजें आपको डिस्क्राइब कर दी है, वो एक चीज रह गई है इसकी प्राइस, जो आस्किंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो 31 लाख रुपए है। जी हाँ, 31 लाख में आपको ये मिल जाता है। आप अपने घर का सपना जो लेकर के बैठे हैं और किराए के मकान से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्लीज अभी कॉल कीजिए, स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं। पर्टिकुलर जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के ऊपर उस बिल्डर के नंबर लिखे हुए हैं, आप उस बिल्डर को कॉल कर सकते हैं और उनके साथ जो है अपना घर का सपना लेने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, साथ साथ आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आई होप सो आपको वीडियो का भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का नीचे बटन दिया गया है उसे दबा दबा के जो है व्हाइट कर दीजिए, क्योंकि सफेद रंग जो है अच्छा रंग होता माना जाता है, तो प्लीज उस लाल रंग को जो है सफेद कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।